बिजेंद्र गुप्ता जी खेमचंद जी नौजवान साथियों तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में हम लोग जाते रहते हैं दिल्ली में जाते हैं देशभर में जाते हैं लेकिन आज इस प्रोग्राम में आके हमें बहुत सुकून मिल रहा है तो ये जो मैं देख रहा हूं ना क्योंकि मेरे दोस्त विजेंद्र जी ने बहुत भावुक होके विस्तार से आपको रखा है मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा लेकिन ये जो पूरी घटना हुई है इसको समझने की कोशिश करिए आप इसको अगर एक शब्द में मैं कहूं अब बस नाउ वी शैल नॉट टॉलरेट ये इसका मैसेज है हम सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं लाठियां खाई हैं जेल गए हैं यंगर स्टूडेंट जब से मैट्रिक पास किया तब से एक्टिविस्ट हैं लेकिन उस दिन जो राजपथ पे मैंने देखा था एक नए हिंदुस्तान की ताजगी एक नए हिंदुस्तान की स्फूर्ति देखी थी कोई नेता नहीं लेकिन मन में गुस्सा है चलिया है जिस तरह से पुलिस की लाठियों को फेस किया पुलिस के अफसर को हमने कहा कि थोड़ी तमीज सीखोगे आप लोग वो जो बच्चियों पर लाठी चला रहे थे वो कोई प्रोफेशनल था कोई आईटी प्रोफेशनल था कोई टॉपर स्टूडेंट था उसके मन की पीड़ा को समझो क्या मतलब है ये और मेरी मन की बहुत इच्छा हुई थी कि मैं उस प्रोग्राम में जाऊं मेरी बेटी आई थी उसकी भी इच्छा थी फिर कहा नहीं इस प्रोग्राम को आज मैं नहीं चाहता हूं पॉलिटिकल कलर दिया जाए लेट मी रेस्पेक्ट द एनर्जी द करेज एंड द ऑटोनॉमी ऑफ यंग इंडिया क्योंकि आपको बताऊं मैं खुद एक्टिविस्ट रहा हूं यहाँ बिजेंद्र बैठे हैं हम बैठे हैं हम लोग जेपी मूवमेंट में रहे हैं लंबे समय जेल गए हैं इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है लेकिन आज मुझे एक नया हिंदुस्तान दिखाई पड़ रहा था और उस नए हिंदुस्तान से जो उम्मीद बनी है उसी उम्मीद के साथ मैं आपके सामने आ आया हूं हा, हाँ ये ठीक है आपको बताऊँ एक बहुत बड़ी घटना हुई थी आप में बहुत लोग पैदा नहीं हुए थे आपको याद होगा आपने बच्चे रहे होंगे एक रंगा बिला दो बहुत बड़े नटोरियस क्रिमिनल थे उन्हें संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा को बहुत तरह से मारा था और रेप किया था उसके साथ में मैं पटना में पढ़ता था आज जो इस इस बेटी को हमने हिंदुस्तान की बेटी कहा है कुछ निर्भया कहते हैं कोई दामनी कहती है डॉटर ऑफ इंडिया उसने हिंदुस्तान को झकझोर दिया और ये क्या मजाक हो रहा है अगर उसके मित्र ने इंटरव्यू दिया समाज की चिंता पुलिस की नाकामी को बताने की कोशिश की तो केस करने की बात पुलिस कर रही है इट इज डाउन राइट ऑन यह प्रेस फ्रीडम पर नियंत्रण है हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है पुलिस अपना काम नहीं करेगी ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो इस बात की पीड़ा को समझिए आप कि दो नौजवान अर्ध नग्न पूरी तरह से घायल पड़े हुए हैं सड़क पर और तीन पीसीआर वैन 25 मिनट बहस करते हैं कि तेरा जुलूसन है कि मेरा जुलूस है क्या मतलब है वॉट इज हैपनिंग इन इंडिया सही कहा विजेंद्र जी ने क्या हो गया हिंदुस्तान को एंड इंडिया डेली कैपिटल ऑफ इंडिया क्या इंसानियत खत्म हो गई थी क्या कि सबसे पहले बच्चों को अस्पताल ले जाओ बच्चों को कवर करो मेरे ख्याल में इससे बड़ा क्लासिक केस ऑफ ग्रॉस सिस्टमेटिक फेलियर कुछ हो नहीं सकता यह बड़ी बात है और देखो मित्रों मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता आज वो सत्ता में है हम आ सकते हैं दिल्ली में शिला दीक्षित है कल हम आ सकते हैं बट वी विल हैव टू इंश्योर देयर इज नो रिकरेंस ऑफ दिस सिस्टमेटिक फेलियर यह बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा और उसमें हम सबों को काम करना पड़ेगा मैं एक बड़ी बात और कहना चाहता हूं मैं क्यों कहता हूं कि आप जो नौजवान हमारी यहां यंग प्रोफेशनल फीमेल बैठी हुई हैं, वाई आई सी ए वेरी ग्रेट फ्यूचर फॉर इंडिया ये जो नई तरुणाई देश में आ रही है ना ये कुछ करना चाहती है जो इधर बैठे हैं हमारे नौजवान साथी जो इधर बैठे हैं हमारी नौजवान महिला साथी इन सबों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस नए हिंदुस्तान की ताजगी इस नए हिंदुस्तान की ऊर्जा और इस नए हिंदुस्तान के आत्मविश्वास का हमें सम्मान करना सीखना चाहिए अभी भी जो पुराने माइंडसेट से कुछ लोग जो डील करने की कोशिश करते हैं ये ठीक नहीं है आप सड़कों पे हो रहा है क्या होता है ऑफिस स्पेस में आप मुझे बताइए वो भी एक चिंता की बात है एक बड़े विषय उठाने पड़ेंगे और जो मैं कहता हूं ना नारी सम्मान नारी सुरक्षा आज भारत की राजनीति के केंद्र में आई है इट हैज कम टू ऑक्यूपाई द सेंटर स्पेस ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स और ये हमें समझना पड़ेगा देखिए मित्रों मैं आपसे दो तीन बातें कहना चाहूंगा जिस दिन घटना हुई संसद में हम लोगों ने हंगामा किया तुरंत तो उसी दिन हा मीडिया का रोल है आपने सही कहा आपको मीडिया की तारीफ करनी बहुत लोग मीडिया के बारे में सवाल पूछा आज अगर टीवी मीडिया प्रिंट मीडिया यहां वो मित्र बैठे हैं वी शुड बी इटर्नली ग्रेटफुल फॉर देम द वे दे हैव कैंपेन वी नीड टू क्लैप देम जिस तरह तो ने देश को जगाने का काम किया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए और ये एक नया हिंदुस्तान बन रहा है हमें उसे समझना पड़ेगा इसलिए मुझे जो पीड़ा हुई कि अगर उस चैनल पर जिसने उस भारत की बेटी के मित्र के इंटरव्यू पर अगर कोई पुलिस कार्रवाई करने की बात की है बीजेपी इसकी पूरी भर्सना करती है इट नीड्स टू बी कंडेमड इन द स्ट्रॉग एट पॉसिबल टर्म्स दिल्ली की पुलिस अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए मीडिया को नियंत्रित करने का काम कर रही है इसे देश बर्दाश्त करेगा और बीजेपी इसका पूरा विरोध करेगी और बिजेंद्र जी मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर उन्होंने कोई केस करने की कोशिश की तो आप अपनी पार्टी के साथ दिल्ली में पूरा प्रदर्शन करवाइए यह मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं यह नहीं चलेगा क्या मतलब है इसका अपनी कमियों को आप समझिए आपकी कमियां हैं आज मैं कोई पोलिटिकल भाषण नहीं देना चाहता हूं लेकिन दिल्ली की महिला एक मुख्यमंत्री है और आप लड़ रही हैं कि पुलिस कमिश्नर ठीक है कि मैं ठीक हूं भारत सरकार है कि मैं ठीक हूं कि पहले काम है उसको इलाज करना लोगों को आश्वस्त करना दिस पेटी पॉलिटिकिंग नॉट करेक्ट ऑल मित्रों जहां तक कानून के बदलने की बात है बहुत ने किया कि क्या कानून बदलने से हो जाएगा क्या रुणा? मैं ये नहीं कह सकता नहीं होगा ये भी नहीं कह सकता हूं कि होगा ही बिकॉज डिटरेंस रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फियर इन लॉ मैं आपसे एक बात कहता हूं आपने किसी से पैसा लिया आपने पैसा उसको नहीं दिया उसने केस किया तो आपने कहा कि पांच लाख रुपया आपने वापस करो तो पीड़ा तो होगी आपको क्योंकि आपको पांच लाख रुपया वापस करना पड़ रहा है कल आपने क्राइम किया आपको दो महीने की जेल होगी आपको पीड़ा तो होगी तो एलिमेंट ऑफ फियर एलिमेंट ऑफ सफरिंग इंटेग्रल टू पनिशमेंट आपको जेल दिया गया तो आप घूम नहीं सकते आपको छह बजे बंद होना पड़ेगा रेप के कारण अगर हम मृत्यु दंड की बात करेंगे ना तो इससे एक फियर जाएगा लेकिन सिर्फ अपने आप में पर्याप्त नहीं है अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होगा और एक बहुत बड़ा सवाल मैं कहना चाहता हूं महिलाओं को जो थाने में बुला करके जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं यह बिल्कुल गलत है इसलिए इन्वेस्टिगेशन में चेंजेस पुलिस को सेंसिटाइज करना महिला पुलिस इन्वेस्टिगेट करे उनके इन्वेस्टिगेशन इन कैमरा हो ये सारी बड़ी बातें करनी पड़ेगी लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल यह है जो हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के विषय को अपने एजेंडा के सामने रखना पड़ेगा और ये देश का सौभाग्य है कि हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए लुक टू द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड आई वॉन्ट टू रेफर टू दुडे जब मीरा कृष्ण की भक्ति में निकली तो लॉट ऑफ अपोजिशन एट दैट पॉइंट इन टाइम लेकिन आज मीरा हिंदुस्तान के हृदय में है जो उसका विरोध करते थे उनका तो कोई चर्चा नहीं होती ना ये भारत की परंपरा है ना जब रानी झांसी अपने राज्य को बचाने के लिए तलवार लेकर निकल पड़ी घोड़े के साथ तो आज रानी झांसी की गाथा हम याद करते हैं ना जो उसको अंदर बंद करने की कोशिश कर रहे थे उनकी कहीं चर्चा होती है क्या आज सरोजनी नायडू जब हिंदुस्तान के फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी के सहयोगी के रूप में आती हैं तो वी ऑल रिमेंबर सरोजनी नायडू माय यंग फ्रेंड दिस इज ट्रेडिशन ऑफ इंडिया एंड सी स्पाइट ऑफ ऑल दिस द पॉजिटिव साइड तरीके से बीजेपी हाउ मेनी प्रॉमिनेंट लीडर्सेंट पोजिशन सुषमा स्वराज विपक्षा जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया आज हमने अपनी पार्टी में परिवर्तन कर रखा है कि 33 थ्री परसेंट सांगठनिक स्तर पर मंडल से लेके देश तक हम महिलाओं को स्थान देंगे बाकी पार्टियां भी कर रही हैं। आज हिंदुस्तान की राष्ट्रपति महिला हुई है इंदिरा गांधी भी महिला रही हैं हिंदुस्तान के जजेस महिला रही हैं आज नो द मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है जब मैं 26 जनवरी की परेड देखने जाता हूं तो एयरफोर्स के कंटेंजेंट को जब एक महिला फ्लाइट लेफ्टिनेंट लीड करते हुए आती है तो आई फील वेरी प्राउड इट इज ए न्यू इंडिया इमर्जिंग ये बदलाव हो रहा है लेकिन इस बदलाव के साथ साथ जो माइंड का बदलाव होना चाहिए ये करने की जरूरत है उसमें हम सबों को काम करना पड़ेगा मित्रों हमें अपना काम करना पड़ेगा हम संसद के अंदर लड़ेंगे आपके लिए संसद के बाहर लड़ेंगे हमारी पार्टी को कुछ कमजोरियां हैं उसको ठीक करना पड़ेगा समाज को ठीक करने में आप लोग को बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी मीडिया को भी कई प्रकार से कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करना पड़ेगा ठीक है एक अच्छा देश बन रहा है और जब यह देश बनेगा तो मैं एक पॉजिटिव नोट करके अपनी बात समाप्त करूंगा वाई इंडिया इज डिफरेंट एंड वाई वी शैल ओवरकम हम होंगे कामयाब जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो भारत का संविधान बना था किसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए इस पर बहुत बहस चली थी पढ़े लिखे को महिलाओं को पुरुष को और जिस अमेरिका को डेढ़ दो सौ वर्ष लगे अपनी महिलाओं को वोट के अधिकार देने में हमने तय किया हर हिंदुस्तानी को वोट का अधिकार होगा महिला को पुरुष को सबको ये हमारी परंपरा है इसको लेकर आगे चलें एंड खेम आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू ऑर्गेनाइज दिस इंट्रैक्शन वी नीड टू इंट्रैक्ट मोर फील फ्री टू गिव योर सजेशंस एंड वी शैल ट्राई टू इंप्रूव अपॉन दैट थैंक्स अ लॉट नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू